स्वागत है आप सभी का लाइफ प्रोसेस रिस्पायरेशन के पार्ट फाइव में। और पार्ट फाइव में आज हम बात करेंगे रिस्पायरेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, अमोइबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये कैसे रिस्पायरेशन करते हैं, और साथ ही में समझेंगे फिशेज रिस्पायरेशन कैसे करते हैं, और फ्रॉग का रिस्पायरेशन, अर्थवॉर्म का रिस्पायरेशन, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पास क्या मैकेनिज्म होता है रिस्पायरेशन का, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास क्या मैकेनिज्म होता है रिस्पायरेशन का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के सभी पार्ट्स की लिंक आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फूड से एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस है उसको रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन अर्थ सरफेस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी करते हैं। रिस्पायरेशन की दो स्टेप हम लोगों ने बात करे हैं, पहला ब्रीथिंग और सेलुलर रिस्पायरेशन। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्रीथिंग का, हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। बेसिकली आपके बोर्ड एग्जाम में अर्थवॉर्म, फ्रॉग, फिशेस इन सब को लेकर के क्वेश्चन बहुत आता है, कई बार देखा गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। एनिमल्स एनर्जी रिक्वायरमेंट इज हायर, एनिमल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा से ज्यादा होती है। एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन, ये ध्यान रखना है। एनिमल्स के पास क्या होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, किसके लिए, रिस्पायरेशन के लिए। रिस्पायरेशन का पहला स्टेप क्या है, ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिस्पायरेशन की बात करें तो जनरल बॉडी सरफेस से होता है। जनरल बॉडी सरफेस इनका क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यूग्लिना, पैरामीशियम, अमोइबा, ये यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर अगर होते हैं तो इनके पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ऑर्गन सिस्टम तो दूर की बात हो गई, वो भी नहीं होता है। इनके पास एक ही सेल होता है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इट मीन्स अगर हम लोग इनके जनरल बॉडी सरफेस की बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा क्या करते हैं, चीजों को एक्सचेंज कर लेते हैं। इट मीन्स जनरल बॉडी सरफेस से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने हुए हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेते हैं। इट मीन्स O2 को इन कर लेंगे एंड देन CO2 को क्या कर देंगे, आउट कर लेंगे, किसके द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, अपने जनरल बॉडी सरफेस से, क्योंकि इनकी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है। रिस्पायरेशन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस का, तो इनके पास गिल्स होता है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। गिल्स अपर कोलम नाम की कवरिंग से घिरा होता है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं। और फिशेज में अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में सिंगल सर्कुलेशन होता है। इट मीन्स ये एक्सचेंज करते हैं, O2 को इन करेंगे, CO2 को क्या करेंगे, आउट करेंगे गिल्स के द्वारा। यहाँ पे हम लोग बात करें फ्रॉग का, तो फ्रॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉग बहुत पूछा जाता है। फ्रॉग स्किन के द्वारा और लंग्स के द्वारा, दोनों के द्वारा करता है। फ्रॉग चूंकि एम्फीबियंस होते हैं, इट मीन्स ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में भी रह सकते हैं और एक्वेटिक वाटर में भी रह सकते हैं। जब ये वाटर में रहते हैं तो स्किन से रिस्पायरेशन करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं, और जब ये एयर में रहते हैं, इट मीन्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं, तो उनके एयर से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है और ये लंग्स के द्वारा क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं। यहाँ पे एक बात जानना और जरूरी है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, कम होता है। एयर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का डिसॉल्व लेवल वाटर में क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि वहां पे एल्गीज वगैरह होती हैं वाटर में, और जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन को वो क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। और एल्गी जब डेड भी करते हैं तो भी उनको डीकंपोज करने में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर दिया जाता है। दैट्स व्हाई, ये भी एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि क्यों वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। ध्यान रखिएगा, यहां पे फ्रॉग के टैडपोल की बात करें तो इनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। यही देखिए, फ्रॉग में ही जब टैडपोल है, इसमें लार्वल स्टेज में ये होता है, टैडपोल लार्वा फ्रॉग का होता है, तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस गिल से करता है, पानी में रहता है, और आफ्टर मेटामॉर्फोसिस वो एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद दोनों जगह पे रहने के एबल बन जाता है। स्किन के द्वारा वाटर में करेगा और एयर में लंग्स के द्वारा करेगा। वाटर में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म का ब्रीथिंग रेट भी क्या होगा, फास्टर होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, कम होता है। उसका भी रीजन मैंने बताया क्यों कम होता है। अब कम होने के नाते क्या करना है, इनको ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, ऑक्सीजन को इन, तो इनके अपने ब्रीथिंग रेट को क्या करना पड़ेगा, फास्टर करना पड़ता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि ब्रीथिंग रेट वाटर में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, फास्टर होगा। यहाँ पे अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म अपने जनरल स्किन से, इट मीन्स अपने बॉडी से, स्किन से क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, सॉयल में रहता है। आपको पता है अर्थवॉर्म को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, फार्मर्स फ्रेंड होता है। ये अपने स्किन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस अर्थवॉर्म करता है। जो ऑर्गेनिज्म स्किन से रिस्पायरेशन करते हैं उसको हम लोग क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलते हैं, ये भी एक टर्म, ध्यान रखिएगा। अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जिनका ब्रीथिंग रेट वाटर में रहने वाले के कंपैरिजन में स्लोअर होता है, तो ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कौन कहे जाते हैं, जो लैंड पर रहते हैं, जो लिव ऑन ए लैंड, जो लैंड सरफेस पर रहते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। फ्रॉग चूंकि दोनों में आता है इसलिए फ्रॉग से क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रॉग वाटर में भी रहता है और लैंड सरफेस पे भी रहता है, तो फ्रॉग अगर लैंड सरफेस पे रहता है तो ध्यान रखिएगा लंग से रिस्पायरेशन करेगा। लिजार्ड, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये सभी क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं लंग्स के द्वारा क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, CO2 को आउट करेंगे, O2 को क्या करेंगे, इन करेंगे। ब्रीथिंग की प्रोसेस वो लंग्स के द्वारा परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे बात करें तो लंग्स को हम लोग पल्मोनरी सैक बोलते हैं। लंग्स यहाँ पे पल्मोनरी सैक कहा जाता है क्योंकि ये हार्ट की पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कनेक्टेड होता है और इस वजह से लंग्स को पल्मोनरी सैक बोलते हैं। पल्मोनरी सैक के द्वारा जब रिस्पायरेशन होगा, इट मींस लंग्स के द्वारा होगा, तो इसको हम लोग, इस टाइप के रिस्पायरेशन को हम पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि लंग्स का नाम क्या है, पल्मोनरी सैक है। तो ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने लंग्स के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। एनिमल्स के कुछ डिफरेंट रिस्पायरेटरी ऑर्गन की बात करें तो अमोइबा, पैरामीशियम, स्पॉन्जेस यानी जो यूनिसेलर होते हैं या जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्पॉन्जेस ग्रुप ऑफ सेल का बना होता है, टिश्यूज नहीं बनते हैं, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनमें रिस्पायरेशन का जो काम होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है। वहीं पे अर्थवॉर्म की बात करें तो स्किन से, सॉयल में रहता है। कॉकरोच, हाउस फ्लाई, इंसेक्ट्स की बात करें, मेनली जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्रैकियल ट्यूब से रिस्पायरेशन करते हैं, इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। प्रॉन की बात करें तो गिल से, क्रैब की बात करें तो बुक गिल्स, फ्लैप लाइक ऑर्गन्स होते हैं जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। स्कॉर्पियन की बात करें, बिच्छू की, तो बुक लंग्स के द्वारा, बुक लंग्स में क्या होता है, थिन प्लेट्स होते हैं जिसके द्वारा एक्सचेंज ऑफ सरफेस वो बनाते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। मोलस्कंस की बात करें तो गिल्स के द्वारा, जिसको टीनिडिया बोलते हैं, ध्यान रखिएगा स्पेशल इसका नाम रखा गया, मोलस्कंस के गिल्स को टीनिडिया बोलते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो लंग्स के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फ्रॉग की बात करें तो स्किन और लंग्स के द्वारा, क्योंकि ये दोनों जगह एम्फीबियंस होते हैं, ये स्किन के द्वारा वाटर में और लंग्स के द्वारा एयर में ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। तो ये कुछ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स थे जिनको जानना जरूरी है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।